गुड इवनिंग। चलो, मोल के बारे में क्या बताया गया कि अगर आप मोल की बात करते हो किसी सब्सटेंस के 1 मोल की, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 6.022 × 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू Na, और इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। नंबर। ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर तुमने लिया था एटम का केस, किसी एटम की बात करो, उसके 1 मोल में नंबर ऑफ एटम थे Na। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूल का केस लेते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो उसके 1 मोल में, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एनी। एन। अगर आप आयंस की बात कर रहे हो, तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? ठीक है, अगर तीनों केसेस में आपको मोल निकालना है और आपको मास गिवन है, ठीक है, एटम के केस में अगर मास गिवन है तो फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास बाई एटमिक। आयन के केस में भी सेम फॉर्मूला लगता है, गिवन मास बाई एटमिक। मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाता है फॉर्मूला? गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं मोल के कैलकुलेशन। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, आप लोग ने तो लिखा ही हुआ है ना। अब अभी अभी आपसे बात हुई, अभी अभी आपसे बात हुई, आपको नोट करना है, नोट कर दे। अभी अभी आपसे बात हुई कि अगर नंबर ऑफ मोल 1 कर दें तो उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा? एटम के केस में एटमिक मास के इक्वल, और मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब 1 मोल का मास मोलर मास है। तो अगर आपको कोई और मोल का नंबर दे दें, 2.5 दे दें, 3 दे दें, तो आप उसका मास निकाल सकते हो। 1 मोल का मास मोलर मास है, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 × मोलर मास। 4 मोल का क्या हो जाएगा? 4 × मोलर मास। उसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे इम्प्लाई करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब किसी सब्सटेंस के अगर 1 मोल लेते हो आप, अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन ली। अब दूसरी स्लाइड पे हम क्या कर रहे हैं? अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो उसका मास कितना होगा? अगर वो एटम की बात कर रहे हो तो उसका मास होगा एटमिक मास के इक्वल, और वो भी एटमिक मास किसमें लेंगे? ग्राम। अगर आपने मॉलिक्यूल ले लिया तो मॉलिक्यूल में मास कितना हो जाएगा उसका? मोलर मास के इक्वल। और अगर आपने आयन ले लिया तो 1 मोल का मास कितना होगा? ग्राम एटमिक मास के इक्वल। आयन और एटम के लिए सेम टू सेम। कोई आयनिक कंपाउंड ले लीजिए, उसका 1 मोल आपने लिया है तो उसका मोलर मास होगा ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। NaCl के लिए, CaCl2 के लिए, जो आयनिक स्पीसीज हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट। बुक्स में इन जनरली मॉलिक्यूल भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये नोट कर लो।
मास ऑफ वन मोल। एक मोल अगर सब्सटेंस है तो मास क्या होगा? आदि आप पढ़ चुके हो ये सब चीजें, तो आप आंसर नहीं करते हो किसी क्वेश्चन का? फिर हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन आज करते, दोबारा से बोला था ना गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। हो गया। आदि एक्चुअली मेरे भैया का बेटा है और भैया भी मेरे केमिस्ट्री से थे, तो उनको पढ़ा देते हैं पहले से केमिस्ट्री, वो परफॉर्म नहीं करते हैं वो और बात है, कई बार टीचर ही परफॉर्म करता है ना, बच्चे उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तभी मैंने बोला आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है कि वो पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, तो आंसर नहीं दे रहे। हो गया, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फास्ट करो, फास्ट करो, जल्दी 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 जल्दी। अब लास्ट टर्न पे हमने सीखा था मोल से मॉलिक्यूल निकालना, एटम निकालना। अगर किसी मॉलिक्यूल का केस दिया हो तो उससे हम लोग एटम्स कैसे निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ी सी चीज सीखते हैं। सोम जल्दी करो, आपकी राइटिंग बहुत ही स्लो है। जैसे सपोज हमने किसी सब्सटेंस के मोल निकाल लिए, ठीक है, अब हमें निकालने हैं कि उसमें मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं। मान लो दे दिया किसी सब्सटेंस के 5 मोल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो आपको पता है सीधे सीधे 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने थे, Na, तो जितने भी मोल होंगे उसमें मॉलिक्यूल निकालने के लिए, अगर ये x है नंबर तो x मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाएगा, तो इसका मतलब मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, Na, ठीक। अब मॉलिक्यूल से मान लो एटम्स निकालने हैं, क्या निकालना है, एटम्स का नंबर, तो एक टर्म आता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे को क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एटम्स मिल, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। 8 ग्राम ऑक्सीजन इज गिवन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बोले बात एक ही है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मोल भी निकालना है मॉलिक्यूल भी निकालना है और एटम भी निकालना, मैं करके बता रही हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। देखो मोल निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताया था, गिवन मास और मॉलिक्यूल है O2 तो मॉलिक्यूल होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 8, ऑक्सीजन का मोलर मास निकालेंगे तो 1 का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना आ गया 32, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/4, 0.25, तो मोल तो आ गए इतने।
अब मोल से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना होता है, एनए से मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूल निकाल दो, मोल मल्टीप्लाइड बाय एनए कर देते, 0.25 एनए। एनए की वैल्यू रख सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स जितने आए हैं उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिसिटी क्या होती है, आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वही बोली जाती है एटॉमिसिटी। तो जैसे O2 का केस है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, टू। O3 होता तो एटॉमिसिटी क्या हो जाती, थ्री। यहाँ पे टू है तो एटम्स निकालने हैं तो क्या करें, हाँ मॉलिक्यूल्स का जो भी नंबर आया है उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिसिटी क्या है, टू। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सबको क्लियर है बात, यस मैम। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे, है ना, क्लियर है बेटा आपको, पहले करा हुआ है कि अभी स्टार्ट किया मेरे साथ, थोड़ा करा, ठीक, नोट कर लो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछ लो, बोलो बोलो बोलो। जब इलेवेंथ के एग्जाम में करेंगे तो इतना लिख लिख के करेंगे तरीके से, है ना, और जब आपको उसमें करना है ऑब्जेक्टिव करना है तो आपको क्या है, आपको फटाफट से करना होता है, तो इतना पहले शुरू में तो आप लिखोगे, जब फॉर्मूला वगैरह याद आ जाएंगे तो आप वर्बली कर लोगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको देर नहीं लगेगी। एसी अभी बंद हुआ है कि चालू नहीं था, किसको सर्दी लग रही है, तुमको लग रही है, तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब हो तो बोल देना, बंद कर दूंगा। चलो आ रहा है सबको समझ में, मोल कॉन्सेप्ट की एक खास बात होती है, चैप्टर शुरू होता है तो बच्चों को, कुछ बच्चों को आता है 100% समझ, कुछ बच्चों को 50% आता है, वो लास्ट तक हाँ बोलते रहते हैं, फिर लास्ट में टेस्ट होता है फिर वो बोलते हैं हमें समझ नहीं आया, है ना, हो सकता है ऐसा। जिस स्टेप पे भी आपको नहीं आएगा आप पूछो, हेजिटेट नहीं कर, और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि फॉर्मूला जितना याद रखोगे, न्यूमेरिकल जितने करोगे उतने सवाल आपके निकलेंगे। अगर आपने कोशिश की कि रफ में भी जब हम घर पे भी कर रहे हैं रिलैक्स, तो भी हम पूरा आंसर ना निकालें, ऐसे ही आंसर दें, तो क्या होगा, फिर एग्जाम में भी नहीं निकलता, बच्चे कहते निकल ही नहीं रहा था जल्दी से आंसर, क्योंकि प्रैक्टिस की। और ये चीज आप लोग मैथ्स में भी फील करते होंगे मेरे ख्याल से, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही है। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, ये 24 कर दिया आपने, हाँ ये भी ठीक है, हाँ कर सकते हो सकता है यही आंसर ऑप्शन में दिया, ये दिए ही ना, ठीक है।
जल्दी करो, जल्दी 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 फास्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो सब लोग, तब तक मैं बाद में लिखूंगी। हाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है तो मॉर्निंग में आ जाओ फिर तुम। आपका उसमें ग्रुप पे नंबर है, कल ही, कल ही टाइम ले लो, कल मॉर्निंग में आ जाओ, ठीक है? ठीक है परसों आ जाओ। परसों क्या है, थर्सडे? थर्सडे को मैंने किसी को टाइम दिया हुआ, किसी बच्चे को? हाँ नहीं तो कल आ जाओ तुम, परसों मैंने किसी को तो दे दिया, उसका नीट का एग्जाम हो गया। क्वेश्चन नोट करो, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है? आपको निकालना वही चीजें जो अभी बात हुई थी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम निकालना है, इसका हाँ इसका मोलर मास निकालने के लिए कैल्शियम का लेते हैं 40, कार्बन का 12। नहीं याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएगा, फेमस तो याद ही हो जाते हैं। अच्छा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो पिछला क्वेश्चन जैसा था उसी तरीके का, और नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का मतलब टोटल पूछ लिया, अभी हमने टोटल निकाले थे ना। हाँ एटीन कैसे आया, ना ना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का निकाला आपने, लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल। हाँ जब जब पूरे एटम्स निकालेंगे तो एटॉमिसिटी 3 नहीं, कैल्शियम इसमें 1 है, कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है, तो जब टोटल एटम निकालने हैं तो टोटल एटॉमिसिटी लेनी पड़ेगी 5, ठीक है? और जब अलग अलग एटम निकालने हैं तो जो निकालना है उसकी एटॉमिसिटी, जो निकालना है उसकी। सब लोग कोशिश करो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। हाँ पहले सबका डिफरेंट फिर उसके बाद टोटल, टोटल ये टोटल है, टोटल एटम्स। ऑनलाइन में आया किसी का? नहीं नहीं इसका पूरे का मोलर मास लोगे ना, मोल निकालने के लिए तो पूरे का मोलर मास निकालो। आ गया।
आदित्य बताओ जरा फर्स्ट आंसर, नंबर ऑफ मोल्स वन, सबके नंबर ऑफ मोल्स वन आए हैं। और मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? एन ए, क्योंकि मॉलिक्यूल तो वन मोल में एन ए ही होते हैं। और एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल एटम के लिए टोटल एटॉमिसिटी से, और कैल्शियम के लिए वन से मल्टीप्लाई, कार्बन के लिए वन से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के लिए थ्री से मल्टीप्लाई, है ना। चलो सॉल्व कर देती हूँ, मान लो किसी को नहीं आया हो तो। गिवन मास क्वेश्चन में कितना था? 100। मोलर मास हमने कितना निकाला कैल्शियम कार्बोनेट का? 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 100 आ गया, ठीक है। तो मोल आपके कितने निकल गए? 100 डिवाइडेड बाय 100 वन, तो मोल तो आ गई है, ठीक है। मोल से मॉलिक्यूल निकालने का तरीका आपको बता ही दिया था। मॉलिक्यूल के लिए क्या करें? Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो वन मोल था तो मॉलिक्यूल कितना हो गया? Na आ गया। अब क्या निकालना है? एटम निकालना है, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपको निकालना है कैल्शियम एटम, तो कैल्शियम वन है तो वन इंटू एन ए हो जाएगा। कार्बन की बात कर लो, कार्बन एटम का नंबर, तो कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है इसमें? वन है तो वन इंटू एन ए। और ऑक्सीजन की बात कर लो, तो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? थ्री दिखाई दे रहा है एटॉमिसिटी, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई एन ए। अब लास्ट स्टेप में आपसे टोटल एटम भी पूछा है, तो टोटल एटम कितने हो गए? या तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, या सबको जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल पूछेंगे तो, मैंने इंडिविजुअल पूछा हुआ था ना, फाइव है। मान लो क्वेश्चन में आपसे कैल्शियम के पूछ लिया, हाँ तो कैल्शियम का निकालना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम तो पूरा ही निकालेंगे, ठीक है। क्लियरिटी है? एनए एनए थ्री एनए, तो टोटल फाइव हो गया। कोई नोट तो नहीं कर रहा? अब देखो, मोल और रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें क्या रिलेशन होता है, उसके रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक। देखिए कैसे मिलते हैं वो क्वेश्चंस हमको, हेडिंग डाल लो रिएक्शंस एंड मोल रिलेशन। एक स्टेप इसमें छूट रहा है, हेडिंग डाल दी ना सबने, कोई बात नहीं, हटा दो, दोबारा डाल देना, है ना, क्योंकि एक एक मोल निकालने का एक प्रोसीजर छूटा हुआ, तो वो पहले आ जाए तभी इसमें आ पाएंगे। मेरा तो आसान है, आप लोग का थोड़ा डिफिकल्ट। एक कंडीशन और है, गैस अगर दी हुई हो और उसकी सिचुएशन हो एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर कोई गैस है और वो किस पे है?
एसटीपी पर एनी गैस लिख देती हूँ, क्योंकि किसी गैस के लिए भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एसटीपी पर है वो गैस, ये टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेशल कंडीशन है। इस कंडीशन पे अगर उस गैस के आप वन मोल लेते हो, कितने मोल लेते हो? वन मोल, तो उसका वॉल्यूम जो होता है उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम, वी एम से डिनोट करते हैं। वन मोल के वॉल्यूम को क्या बोलोगे? मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम होता कितना है वन मोल का? 22.4। हाँ हाँ 22.4, कुछ कुछ बुक्स 22.7 लीटर भी बोल रही है, क्योंकि ये डेटा एग्जैक्टली एक्चुअली में डेटा ये चेंज हो चुका है ना, 22.7 हो चुका है नया, लेकिन लेकिन अभी एनसीईआरटी 22.4 को ही फॉलो कर रही है, इसलिए हमें भी उसी को, और जो पुराने पेपर सेटर है, क्योंकि पुराने लोग ही पेपर बनाते हैं, तो वो पेपर भी 22.4 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हम नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन कर दिया कि मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7, अगर क्वेश्चन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दिया मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7, तो आप 22.4 के डेटा की जगह क्या यूज करेंगे? 22.7। लेकिन अगर नहीं मेंशन करते हैं तो आपने क्या यूज करना है? किसी गैस की कंडीशन अगर एसटीपी की है तो उसके वन मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, इसी बात पे एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल कर लीजिए, ये नोट कर ली लाइन। इतना बड़ा वॉल्यूम नोट कर लो जल्दी से, सोच लो। हो गया क्वेश्चन? 3.46 चलो लिख दिया तो यही है, 3.46 ग्राम ऑफ CO2 एट STP कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP। आपको मोल्स भी निकालने हैं इसके, और क्या निकालना है? वॉल्यूम भी निकालना। मोल कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड लगाओ। वन मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4। थर्टी टू प्लस 12। हाँ, CO2 का मोलर मास निकालना पड़ेगा ना आपको, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40। मोल्स, पहले मोल्स निकालो फिर वॉल्यूम निकालो। पहले क्या निकालना है आपको? मोल्स फिर वॉल्यूम निकालना। हाँ हो जाएगा। करना ही पड़ेगा ना।
अभी सॉल्व करते हैं, मुझे भी पता नहीं, मैंने तो ऐसे रैंडम डेटा दे दिया। मोल्स मोल्स आ गए, बोल दो। 0.07 या 0.07? 0.07। सबको समझ आ रहा है क्लास में क्या चल रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा हो क्या चल रहा है पता ही नहीं लग रहा? मैं बता दूं, बताओ, एक मैं बता देती हूँ फिर नेक्स्ट आप बताना। मोल निकालने का तो प्रोसेस सेम है, जैसे आप मोल निकालते हो वैसे ही निकालना है आपको। क्लास देखिए बोर्ड पे, CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के केस में आपको मोल निकालने का फॉर्मूला तो आपके पास सीधे सीधे क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना था अपना? 3.46 ग्राम दिए हुए थे, तो 3.46 डिवाइडेड बाय 44 हो जाएगा, ये तो आ गए मोल। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा निकालेंगे, ये मोल आ गए। अब आपको मालूम है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा एट STP? कितना होगा? 22.4 लीटर, है ना? तो आपके कितने मोल है आपके पास? 3.46 डिवाइडेड बाय 44, इतने मोल के लिए वॉल्यूम क्या हो जाए? तो ये वैसा ही वाला क्वेश्चन है कि 1 एप्पल का कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज। तो 10 एप्पल का कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगी वैल्यू लीटर। 1.74 लीटर आ रहा है। 1.74। अच्छा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट निकाल नहीं रही हूँ इसलिए मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। ये देखो 22.4 है ना, और ये 44 है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स 2 अगर आता है तो डिवाइड करोगे 3.46 में, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 1.56 तो नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। हाँ ज्यादा, इतना नहीं आएगा क्योंकि ये 44 है ना, तो एग्जैक्ट 2 तो आएगा नहीं। 22 होता तो एग्जैक्ट 2 आता। ठीक है, आया? एग्जैक्ट नहीं आया होगा पर प्रोसेस समझ आया। एग्जैक्ट तो तुम लोग निकालो, नहीं तो हमारे पास तो है, हम तो इन्हीं से निकालेंगे। अभी तो तुम लोग का रिजल्ट आने में टाइम है ना, ऐसे ही मुझे खामखा में सपने आ रहे। पॉइंट 0786 आ रहा है मोल, 0786 मोल। अब तुम लोग को डिवीजन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ 0.0786। ठीक है, कर लेंगे ऐसा सवाल।
गैस अगर चेंज कर दी जाए, एन टू कर दी जाए, ओ टू कर दी जाए, ओ थ्री कर दी जाए, तो कर लेंगे। मोलर मास पता होना चाहिए, प्रोसेस एकदम सेम टू सेम है। कोई कुछ कह रहा है? वो डिपेंड करता है कि आप पहले से क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, सब्जेक्टिव की तो बात अलग है, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में पहले से आप देख लोगे कि ऑप्शंस दूर दूर दिए हुए हैं या ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। और ऑप्शंस मान लो एक ऑप्शन है 0.07 करके, एक ऑप्शन है 0.03 करके, एक ऑप्शन है 0.01 करके, तो दूर दूर हो गए ना, तो आप आराम से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर के कर सकते हो। लेकिन अगर 0.07, 0.06 या 0.07 में ही दो तीन आंसर दे दिए, तब आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। अगर आंसर ऑप्शंस क्लोज होंगे तो आपको एग्जैक्ट पे जाना, वो आप क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ऑप्शन पे तो नजर चली ही जाती है ना कि आंसर आपका क्लोज है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया, लगभग लगभग आंसर आएगा 1.5 के अराउंड, और कई बार ऐसा होता है कि एक आंसर ही 1.5 के अराउंड है, बाकी कोई 12.5 आ रहा है, कोई 40 आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, तो वो कभी कभी होता है। आप लकी होते हैं तो कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़े। ठीक है, चलो तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई। अब हम लोग करते हैं रिएक्शन और मोल रिलेशन। किसी रिएक्शन में अगर हमें मोल देखने हैं तो हम किस तरीके से देखते हैं, और उससे रिलेट करके एक और चीज आज हम लोग सीखने, रिएक्शंस एंड मोल रिलेशन। ठीक है, पहले नोट नहीं करना है, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है, सपोज ये रिएक्शन है N2+3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन दिया। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ये जो आगे वाले नंबर होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, और इनका बड़ा रोल होता है। क्या रोल है इनका? ये कोफिशिएंट बताते हैं कि कोई भी चीज अगर प्रिपेयर हो रही है तो वो कितने मोल से कितनी बनेगी। इस कोफिशिएंट से हमको ये पता लग रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन अगर 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं रिएक्शंस एंड मोल रिलेशन। तो इस कोफिशिएंट से हमको क्या पता लगा कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का है तो 3 मोल किसके चाहिए? हाइड्रोजन के चाहिए, तब 2 मोल अमोनिया बनेगी। क्लियर है बात इतनी? ठीक, अगर मास के टर्म्स में इस रिलेशन को लिखना चाहेंगे तो हमने मोल्स के टर्म्स में लिख दिया। अगर हम इस रिलेशन को मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 मोल का मास कितना बताया था आपको? किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लोगे तो उसका मास होगा उसका मोलर मास। यानी कि अगर हम लिखना चाहें, हमने अभी ये रिलेशन बताया कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। अब आपको बोला जाए कि इसको मोल में रिलेशन नहीं बताना है, इसी को मोलर मास के टर्म्स में रिलेशन बताओ, तो इसको मास के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसका 1 मोल है, इसका मतलब 1 multiplied by मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज आ जाएगी मास, यानी कि अमोनिया का इतना मास यूज होगा अगर नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन का मोलर मास देखो तो होता है 14 + 14 = 28। इसका मतलब 28 ग्राम अगर आप नाइट्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए? हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट करते हैं, 3 multiplied by मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, H2 का होता है 2, तो ये कितने ग्राम आ गया? 6। इसका मतलब
अगर नाइट्रोजन की बात करो तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तब अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया देखें तो 2 मोल बनेगी, और 2 मोल के लिए आप मास निकालोगे तो कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास होता है 70, तो आंसर क्या आ जाएगा? 34। इसका मतलब हम इस चीज को मोल में भी बोल सकते हैं और हम इस चीज को मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मोल में हमने क्या बोला? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। दूसरा रिलेशन हमने क्या बोला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। ठीक है, बोल किसको? 28। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधे उस ऐड भी कर सकते हैं। तो ये रिलेशन समझ आया? इसको ऐसे कैसे नोट करिए, फिर और भी चीजें बता। स्टोइकियोमेट्रिक STOICHIOMETRIC। STOI मोल वाला पॉइंट तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, जो नंबर है वही क्या है? मोल्स है। मास वाले में क्या करना पड़ता है? उस नंबर को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकालना पड़ता है, अमाउंट पता लगता है। जो आपकी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, वो क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर, जैसे आप बोलते हो कि आज हमको चिली पनीर बनाना है, ठीक है, तो चिली पनीर बनाने की एक ऑथेंटिक चाइनीज रेसिपी होती है। ऑथेंटिक का मतलब उसमें सारी चीजों का अमाउंट क्या होगा? फिक्स होगा। अगर आप वैसा ही जैसा जहां से आपने सीखा है, जिस भी कंट्री से, चाइना का है ये डिश, तो वहां पे जिस तरीके का ऑथेंटिक, जिस तरीके का बनता है, अगर वैसा बनाना है तो एक एग्जैक्ट प्रपोर्शन होगा चिली पनीर का। तो इसका मतलब अमोनिया के प्रिपरेशन को अगर आपको करना है, अमोनिया बनानी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो एक प्रिपरेशन का एक क्या है? अमाउंट है, एक रेशियो है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन आप किसी भी अमाउंट में मिला दीजिए, हाइड्रोजन किसी भी अमाउंट में मिला दीजिए तो इतनी अमोनिया बनेगी। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको उसके अकॉर्डिंग अमाउंट लेना है। क्लियर है इतनी बात? अब एक रिएक्शन मैं लिख रही हूं, उसमें मोल रिलेशन आप लिख के बताइएगा। इसमें बताइए, रिएक्शन में ये नीचे की तरफ गैस ऐसे लिखा रहता है। लिक्विड भी हो सकता है। हाँ,
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दो तो लिक्विड हो जाएगा, पानी मिला दिया उसमें। बोलिए आंसर, बोलिए क्या क्या, कितना मोल मिलके क्या क्या बना रहा है। ठीक है, तो मोल रिलेशन में क्या है, सामने वाला नंबर कोई नहीं है तो, जब कोई नहीं है तो क्या हो गया नंबर वन। इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री में वन को वैल्यू ही नहीं दे रहे, लिख ही नहीं रहे, है इतनी बड़ी वैल्यू। तो ये वन मोल होगी हाइड्रोजन, तो वन मोल उससे क्लोरीन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, टू मोल एससी, है ना। अगर मास के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसका वन मोल है हाइड्रोजन का, मोलर मास कितना होता है, वन प्लस वन टू, तो ये क्या आ गया, 2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। सीएल टू की अगर बात करो तो सीएल का होता है 35.5, तो अगर ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 71 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, 2 मोल HCl, 2 मोल है। एक HCl का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करके 73 ग्राम HCl प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत, कर लेंगे ऐसे सवाल। इसी में, इसी क्वेश्चन में अगर एक लाइन और इंट्रोड्यूस कर दी जाए, एसटीपी की कंडीशन। अच्छा, एसटीपी की कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि सब एसटीपी की कंडीशन उसी पे लगेगी जो गैस, गैस के लिए ये बात की गई है, सबके लिए नहीं है। तो अगर इसी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक और चीज, H2+Cl2 गिव्स टू HCl किया, ठीक है, और हमने इसको बोला 1 मोल, ये है आपकी 1 मोल और ये आपकी क्या है, 2। अगर हम सिचुएशन लगा दें कि ये कंडीशन जो है 1 मोल 1 मोल 2 मोल, ये किस पे है, एसटीपी पे, तो वॉल्यूम बता दीजिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इसका कितना हो जाएगा, 22.4, ये 2 मोल है तो कितना हो जाएगा, 22.4। क्लियरिटी है, लास्ट वाली स्लाइड नोट कर ली थी या बैक करना है मैम, करना है एक कीजिए। हो गया, नेक्स्ट पेज पे। बहुत आराम से चल रहे हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चले। एनसीईआरटी लाया कोई, कुछ सवाल करवा दे एनसीईआरटी के, है ना, ये भी खरीदी गई है तो कुछ इसका पैसा वसूल हो जाए। करने के लिए तैयार हैं आप, इसमें तो मोल इतना छोटा, एसटीएपी, हाँ इतना छोटा इसमें दे रखा है, ज्यादा दे ही नहीं रखा। कोई कुछ बोल रहा, मैम
सवाल है कोई? एक सवाल है, चलो मोल का कर लो। 3 मोल ऑफ C2H6, C2H6 बोलते हैं ईथेन को। बुक का क्वेश्चन है आपके, 3 मोल ऑफ C2H6, C2H6 को बोलते हैं ईथेन, ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या क्या है, देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पुराना वाला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अभी क्वेश्चन में आपको मोल निकालना नहीं, मोल दे दिया, यही था शायद। करिए, एनसीईआरटी का सवाल है। एक मिनट रुक के आंसर बोला करो, एक मिनट रुक के, एक दो मिनट रुक जाओ, मान लो कोई कर रहा हो। क्लियर हो रहा है बेटा? पुरु हम लोग के टाइम में मतलब जब हम लोग आपकी एज में थे तो एक मूवी आई थी, उसमें हीरो का नाम भी पुरु था और ऐसा ही दिखता भी था। मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। पुरु पुराने टाइम में एक एक्टर हुआ करते थे, क्या नाम है, राजकुमार, पता है आपको? और लोग भी जानते हैं। मैम ऋषि कपूर के पापा? नहीं भाई, मैं राजकुमार की बात कर रही हूँ। उनका फेमस डायलॉग हुआ करता था, जानी करके ऐसे करके कुछ बोलते थे। हाँ, उनका बेटा था पुरु राजकुमार, मतलब होगा अभी, उसकी शक्ल सच में पुरु से मिलती भी है। हाँ देखना, एक बार पुरु को देख लिया ना, अब यूट्यूब पे पुरु राजकुमार को देखो। कर लिया सवाल, कर लिया? Yes, ma'am. आप कौन बताएगा आंसर? मैं बताऊंगी कि कौन बताएगा? विवान बताएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। विवान है ना नाम? अच्छा, विवान वो था, ये क्या है, कितना आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे 3N कर दिया। और नंबर ऑफ कार्बन एटम, सुहानी, ट्वेल्व पॉइंट कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ आप बताओ, 6 से मल्टीप्लाई किया। हो गया। मैं एक बार सॉल्यूशन कर देती हूँ, जिनका नहीं आया होगा या जिनका आया वो चेक भी कर लेंगे ना, सही आया कि गलत आया। सुहानी आया, आपको आ गए सारे? मॉलिक्यूल निकालना था तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, मोल का जो भी नंबर दे रखा है उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, Na का। तो मॉलिक्यूल मोल 3 थे तो 3Na आंसर आ गया। ये आ गया आपका क्या, मॉलिक्यूल। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है, 2 दिखाई दे रही है,
तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना था, 3NA। अब 3NA में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो क्या आ गया 6NA। NA की वैल्यू रख लेंगे। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 मोल थे, ये NA था मॉलिक्यूल 3NA, अब ये 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18NA। अब टोटल निकालना है तो सीधे दोनों को जोड़ दो या टोटल एटॉमिसिटी ले लो, 6 + 2 = 8 × 3N। नंबर ऑफ टोटल एटम कितना आ जाएगा, 6NA + 18NA, कितना होगा 18 + 6, 6 ठीक है। जोड़ के भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते थे आप, वैसे भी कैसे निकालेंगे, 6 + 2 क्या होता 8, और मॉलिक्यूल कितने थे आपके, 3NA मॉलिक्यूल थे, तो मॉलिक्यूल में टोटल एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक सवाल कर लिया हमने। अब मोल रिलेशन से एक और चीज सिखा देते हैं आपको, एक मिनट रुक जाओ, एक और इम्पोर्टेंट अच्छी चीज सिखा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ध्यान से आपको घर पे बोला गया, या मैंने बोला आपको टास्क दिया कि मैगी बनाना है, टोटल मॉलिक्यूल्स टोटल एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल्स कितने आए थे और टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 6 + 2 = 8। ऐसे भी निकाल सकते थे, अलग अलग निकाले थे उनको जोड़ दिया। बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन, टू एन ए कहाँ आ रहा है, एटम्स निकालना है ना, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना, एटम्स टू एन ए कहाँ निकला था, ये आया था 3NA × 2 6N, हाँ तो 2 है ना, तो मोल कितने हैं यहाँ पे 3, मॉलिक्यूल कितने हुए 3NA, मॉलिक्यूल में ही तो एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो 3NA × 2 तो 6 आएगा। यहाँ पे 1 मोल की कंडीशन नहीं है, मोल कितने हैं देखो क्वेश्चन में, और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का 4 वैलेंस है, 2NA किस कंडीशन में होगा, जब ये 1 मोल होंगे, या 3 मोल हो गए ना तो 3 से और मल्टीप्लाई, हाँ तो उसमें 1 मोल था उस केस में, CaCO3 में आंसर अपना 1 मोल आया था पहले। हाँ कि मैगी आपसे पूछ रही थी, अगर आपको बनाना हो तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, हाँ थोड़े बहुत क्या ऐड करना चाहोगे, अब कौन बताएगा, परी बताएगी, अब परी को बनाना है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगी, मैगी बना रहे हैं जैसे इसने बताया, कभी बनाया नहीं ये लग रहा है, और कौन बताएगा, अविचल बताए, अविचल इंटरेस्टिंग, जल्दी बताओ फिर उसी पे बेस रिएक्शन, चिली सॉस भी, हाँ बोलो बोलो, बस अभी बोल रहे हैं बस, चलो सुहानी तुम बताओ, नॉर्मल सिंपल वाली कौन बनाता है, सिंपल बोले तो क्या डालोगे उसमें, मसाला भी नहीं, अच्छा। अब देखो मैगी वाली बात आपको क्यों बताई, मैगी वाली बात इसलिए बताई गई आपको क्योंकि
जैसे कि हमारा एक सबका एक पर्टिकुलर टेस्ट है ना, जैसे मैं बनाऊंगी सपोज है ना, तो खूब बड़ी बड़ी ग्रीन चिली डालूंगी उसमें, ज्यादा से मिर्ची होगी है ना, अनियन होंगे और अनियन थोड़े से रॉ होंगे, मतलब ऐसा नहीं बहुत पका दिया उसको मैगी की तरह डाला, और उसी के पानी में वो अनियन, कई लोग बटर वगैरह भी डालते हैं, नो बटर है ना, ये सब कुछ नहीं डालेंगे, चीज वीज कुछ नहीं डालेंगे, सीधे पानी में प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, बड़ी बड़ी हरी मिर्ची डालेंगे है ना, कि वो उसका टेस्ट थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, और बाद में मिर्ची निकाल के हटा दें। तो इसका मतलब उस रिएक्शन को वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, जो मैं मैगी बना रही हूँ वो मेरे लिए एक वो पर्टिकुलर रिएक्शन है, जो मैदान से बनाया वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन था, जो सुहानी ने बनाया, परी ने बनाया, विचल ने बनाया, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। इसका मतलब कोई भी एक जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है उसमें सबके अमाउंट सेट होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि नाइट्रोजन का अमाउंट कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए, तब आप 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको अमोनिया का 1 मोल बनाना है सपोज, तो सबको आधा आधा कर दो। कैसे आधा आधा करें, अभी कुछ लिखना नहीं, ध्यान से समझो। जैसे इस रिएक्शन को देखो, ये पहले वाली जो थी N2+3H2 gives 2NH3 वाली, ठीक, यहाँ पे हमने अमोनिया के 2 मोल बनाए। अगर हमसे बोला जाए अमोनिया का 1 मोल बनाना है, तो क्या करें, सबका अमाउंट हाफ कर दो, इसको 1/2 मोल ले लो, इसको 3/2 मोल ले लो, तो ये कितना बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा, सेट है प्रोपोर्शन। अगर इसको हाफ करना है, 1/2 मोल बनाना है, अभी हमने 1 बनाया, अब कितना बनाना है, 1/2 बनाना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो है ना, तभी तो 1/2 बनेगा, 1/4 ले लो, 3/4 ले लो, फिर 2/4 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए ये एक रेशियो फिक्स है। अगर इस रिएक्शन में कोई चीज आप ज्यादा अमाउंट में लेते हो, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि नाइट्रोजन के हमने 5 मोल लिए हैं, हाइड्रोजन के हमने 3 मोल लिए हैं, तो अमोनिया कितनी बनेगी। ठीक, तो अब आपको पता है कि ये 3 मोल लिया आपने और ये कितना लिया, 5 मोल। ठीक है, तो इसके 3 मोल से इसके 2 मोल तो रिएक्ट कर जाएंगे और 2 मोल अमोनिया बना लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन तो हो जाएगी खत्म, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है आपके पास, 3 मोल ही है, और ये कितना है, 5 है, इसका यूज कितना होगा, 1 मोल केवल यूज होगा, 4 मोल इसके रिमेनिंग रहेंगे, और ये क्या होगा, पूरा पूरा खत्म। जब ये खत्म, रिएक्शन होने के लिए दोनों रिएजेंट होने चाहिए आपके पास, जब एक रिएजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी है ना, स्टॉप हो जाएगा। और अगर अमोनिया का अमाउंट बोलो, तो अमोनिया का अमाउंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये 3 मोल था तो ये 2 मोल बना, ये तो ज्यादा हो करके भी कोई काम नहीं आ पा रहा है, ये वाला ज्यादा होकर के भी कोई काम, जो इसके एक्स्ट्रा 4 मोल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो खत्म ही हो चुका है, रिएक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैं बोलूं, अभी मुझे तौशिद से झगड़ा करना है और अब मैं क्लास से बाहर हूँ, तौशिद को अकेले छोड़ दूं, तो तौशिद किससे झगड़ा करेगा, झगड़ा करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो इसी तरीके से रिएक्शन में वो रिएजेंट जो रिएक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट भी उसी के हिसाब से बनता है, प्रोडक्ट भी क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ये 3 मोल था, ये 5 मोल था, 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना लिया, उसके बाद इसकी कहानी हो गई खत्म। अब ये 4 मोल बचा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि कितना अमोनिया बनेगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन बना, ये बना। तो हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बच जाएगा उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई फैमिलीज होती है, उसमें 4 बच्चे होते, एक बच्चा बड़ा नखरीला है, कहीं जाना है तो पता चले रेस्टोरेंट वही डिसाइड करेगा, यही जाना है यही जाना है,
जिद पे अड़ जाएगा। फिर कई बार क्या होता है अक्सर वो कम होता है, अक्सर करके क्या होता है करके उसकी बात मान ली जाती है। तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है, जो पहले खत्म हो जाएगा, जो पहले खत्म होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो बचा रहेगा उसको क्या बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा एलआर के हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे वन ब्रिक मैगी में वन अनियन चाहिए, वन टोमेटो चाहिए, ठीक है, ये इस फ्लेवर का मुझे मैगी तैयार करके दो आप। अब पता चला कोई आया उसने बोला भाई हाफ ले लो, हाफ अनियन ले लो, वन टोमेटो ले लो, है ना, फ्लेवर हमें सेम चाहिए। फ्लेवर अगर आपको सेम चाहिए, फ्लेवर सेम का मतलब रिएक्शन यही चाहिए, रिएक्शन जब यही चाहिए तो अमाउंट का प्रोपोर्शन भी वही चाहिए। अब तुमने हाफ अनियन दे दी तो हम तो हाफ टोमेटो ही डाल पाएंगे क्योंकि फ्लेवर वही चाहिए। फिर उसके बाद हमको ब्रेक भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा अगर सेम टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कंज्यूम हो जाएंगी, जैसे हाफ अनियन दिया है तो अनियन कंज्यूम हो जाएगा, टोमेटो क्या होगा बच जाएगा, तो टोमेटो हो गया एक्सेस रिएजेंट, अनियन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट मैगी का अमाउंट किसने डिसाइड किया, अनियन ने डिसाइड कर दिया, हाफ ही ब्रेक बन पाई। ठीक है, एक को मिली एक को, चलो तो लिखते हैं इसके बारे में, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, हेडिंग डालिए लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कौन है ये, किसने बोला ये बात, ये पाप किसने किया है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा हो जाएगी, अभी हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ हम बताएंगे रिएक्शन में कैसे पहचानते हैं, रिएजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन इज स्टॉप एंड प्रोडक्ट इज डिसाइडेड, प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ना लिखें, लिखें प्रोडक्ट अमाउंट इज डिसाइडेड बाय रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इन रिएक्शन which consumes first, पहले ही consume हो जाए, पहले खत्म हो गया उसको हम क्या बोलेंगे limiting। सबने note कर लिया, ऑनलाइन एक्सेस रिएजेंट की लिख लो, हो गया एक्सेस रिएजेंट विच remain after the completion of reaction is called excess reaction. Reaction complete हो गई, अभी भी क्या हुआ है बेचारा बचा हुआ, रिएक्शन खत्म हो गई, दुनिया लूट गई और वो क्या है बचा हुआ।
छोटू सा एग्जांपल लिख लो, फिर कल इस पे क्वेश्चन कराएं। आज क्वेश्चन नहीं करा रहा, एग्जांपल लिखो। ये रिएक्शन है, ये आपको पता लग रहा है ये वन मोल है, ये कितना चाहिए थ्री मोल, तो ये कितना बनेगा टू। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन अमाउंट है हाफ मोल एन टू एंड सिक्स मोल एच टू। जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल यूनिटरी मेथड की कैलकुलेशन है, अमोनिया कितनी बनेगी, कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। किसी ने कुछ बोला क्या? टॉक्सिक मतलब जहरीली तो क्या कहेंगे, ब्रेन को इफेक्ट करती है। हाँ बोलो फिर। हाँ देखें देखें क्वेश्चन को, देख लें जल्दी से, पॉजिटिव इफेक्ट देती है ब्रेन पे अमोनिया। सही है, तुमको अच्छी नॉलेज है। देखो भैया ये अमाउंट तो चाहिए था वन मोल, ये थ्री मोल, तब ये टू मोल बनता। अब इन्होंने कर क्या दिया, कहानी क्या करी, इसको कर दिया हाफ मोल, आधा करके दे दिया। इसको कितना दे दिया, सिक्स मोल दिया ये इन्होंने, है ना। तो ये हाफ मोल, अगर ये वन मोल है तो ये थ्री मोल रिएक्ट कर रहा, अगर इसको तुमने हाफ कर दिया तो ये भी तो हाफ रिएक्ट करेगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? अगर नाइट्रोजन के वन मोल थे तो हाइड्रोजन के थ्री मोल चाहिए थे। अब नाइट्रोजन के क्वेश्चन में हाफ मोल गिवन है, तो हाइड्रोजन का कितना रिक्वायर्ड होगा रिएक्ट करने के लिए, इसको आधा किया है वन बाई टू किया तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब ये यूज कितना होगा, थ्री बाई टू, 1.5 यूज होगा। इसका मतलब ये हाफ मोल, ये 1.5 मोल, यहां हाफ किया तो ये भी हाफ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पूरा जिस नंबर से एक जगह डिवाइड करोगे वही इसमें भी डिवाइड होगा, वही इसमें भी डिवाइड होगा। यहाँ पे आपने हाफ कर दिया तो ये भी थ्री बाई टू हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ बनेगा, यानी टू से कितना बन जाएगा, हाफ करोगे तो वन, यानी अमोनिया तो बनेगी कितनी, वन मोल, टू मोल नहीं बनेगी, थ्री मोल फोर मोल नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, वन मोल। ये हाफ मोल पूरा का पूरा यूज हो जाएगा और रिएक्शन इसके बाद नहीं होगी क्योंकि ये सबसे पहले खत्म हो गया। तो ये क्या बोला जाएगा नाइट्रोजन को, एल आर लिमिटिंग रिएजेंट। ये 1.5 मोल ही यूज हुआ हाइड्रोजन, 6 मोल दे रखे थे तो 6 माइनस 1.5 कितना बच जाएगा, 4.5 मोल अनरिएक्टेड ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो जो पड़ा रहेगा उसको क्या बोलोगे, एक्सेस। यही सवाल था कि क्वेश्चन में आपको पहचानना था लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है। इसकी एक सिंपल मैथ्स भी है, इतना अगर हम दिमाग ना लगाना चाहें तो इसकी एक सिंपल मैथ्स भी है, वो भी बता देंगे आपको। तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे डिवाइड करो और आंसर कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस नोट कर लीजिए। अमोनिया सुनाते थे कि क्लोरोफॉर्म सुनाते, हाँ अच्छा,
तुम लोग को पता है ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन।